जहां संकीर्तन होगा वहां भगवान होंगे, जहां सत्संग होगा वहां देवी देव, जहां राम नाम होगा, जहां श्री राधा नाम होगा वहां कौन होगा? कृष्ण होंगे, वहां महादेव होंगे। देखो सोमवार चल रहा है, सोमवार को सब लोग भगवान महादेव को दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। एक विशेष बात सुनिए, अगर केवल पुण्यों की प्राप्ति चाहिए तो अभिषेक करते करते ओम नमः शिवाय या जो और भी भगवान शंकर के मंत्र वो बोलो अपने सुख के लिए, पर अगर भगवान महादेव को सुख देना हो तो जब अभिषेक कर रहे हो ना, तो वैसे तो लोग कहेंगे कि राधे राम राम बोलो, क्योंकि उनको राम नाम पसंद है, पर हम तो ब्रज वाले हैं और ब्रज वाले क्या बोलेंगे? अभिषेक करते समय भोले शंकर महादेव को क्या सुनाना है? राधा नाम सुनाना। आहा, प्रसन्न हो जाएंगे महादेव। लोगों को पता नहीं महादेव का एक रूप ये भी है, महादेव जब श्री राधा रानी का नाम सुनते हैं ना, राधा रस सुधानिधि में लिखा, यो ब्रह्म रुद्र शंकर शौनक भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। श्री हरिराम व्यास जी ब्रज के एक बड़े प्रसिद्ध पदकार हैं, पद लिखते थे, उन्होंने लिखा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज को सनकादिक सेवत ब्रह्मादिक सेवत सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनको राधा नाम सुनाया जाता है। और भैया महादेव तो महादेव है, वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य है भगवान महादेव। अगर इस दुनिया में एक ही है जिनका पूरा खानदान पूजा जाता है, राम जी के राम दरबार में लक्ष्मण जी तो होंगे पर शत्रुघ्न और भरत जी नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ अगर श्री राधा रानी है तो रुक्मणी जी नहीं होंगी, पंडरपुर में रुक्मणी जी हैं तो वहां श्री राधा रानी नहीं है, और जितने भी देव हैं सब किसी का एक परिवार है, पर महादेव स्वयं पूजे जाते हैं, माता पूजी जाती हैं, हर जगह माता की पूजा है, पुत्र पूजे जाते हैं, गणपति प्रथम पूज्य है, कार्तिकेय स्वामी साउथ भारत में के दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, वाहन इनके जो इनके वाहन है वो भी पूजे जाते हैं, नंदी शिवालय में एंट्री तभी मिलेगी जब नंदी महाराज परमिशन देंगे, नंदी पूजे जाते हैं, गणपति के वाहन चूहा पूजे जाते हैं, भगवान शंकर के गले में जो सर्प पड़े हैं नागपंचमी को वो भी पूजे जाते हैं, अजी और तो और इनके सर पर जो बैठी है वो गंगा मैया भी पूजी जाती है, कोई नहीं बचा, पूरा खानदान पूजा जाता है। तो प्रभु ने भी कहा है, और अहु एक गुपत मत सब ही करे करही ही कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो ऐसे भगवान महादेव, और एक एक विशेषता और है भगवान महादेव, जिनको सारी दुनिया त्याग देती है ना उनको भगवान शंकर अपनाते हैं। जब कोई भक्त इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो मोगरा बोलते हैं, जैस्मिन शायद वही है, मोगरा, हाँ तो वही हो गया, तो जैस्मिन की माला, गुलाब की माला, कमल की माला लेके मंदिर में जाओगे ना तो सब देवताओं में लड़ाई होगी, हमको दो हमको दो। भगवान महादेव कहते हैं इनको चढ़ा दो, सारे जितने भी दुनिया के अच्छे दिखने वाले और अच्छी सुगंध वाले फूल हैं इनको चढ़ा दो, लेकिन एक धतूरे का फूल ऐसा था जो सबने छोड़ रखा था, भगवान महादेव बोले लाओ ये लाओ इधर, इसको हम लेंगे, इसका हम अपनाएंगे। यहां तक कि अब देखो मूर्खता देखो लोगों की, कहीं कहीं आज भी भारत के कुछ कुछ मंदिर में मदिरा चढ़ाई जाती है, शराब, ये भगवान महादेव भोग लगाते हैं,
पर असल में बात क्या थी पता है? जैसे भगवान महादेव ने कहा ना कि जो जो कोई तुम्हारे काम का नहीं हो मुझे दे दो। अब समुद्र मंथन चल रहा था, रत्न निकले, देवता ले गए, उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, हाथी निकला, ऐरावत हाथी देवता ले गए, विष निकला, जहर निकला, सब ने कहा नहीं नहीं, महादेव बोले जो किसी का नहीं मुझे दे दो। वैसे ही महादेव ने कहा जीवन में जो जितनी भी तुम्हारी बुराइयां हैं ना वो लाके मुझे दे दो, क्योंकि महादेव के पास उसको पचाने की डाइजेशन सिस्टम है, वो जहर पचा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते, हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो महादेव ने कहा जो तुम्हारी कमियां यहां आके छोड़ जाओ, चढ़ा जाओ और छोड़ जाओ, दोनों में बहुत फर्क है। महादेव ने कहा तुम नशा करते हो, एक काम करो, जो नशा करते हो उस नशे को मेरे पास आओ और यहां आके छोड़ जाओ, त्याग जाओ, आज के बाद नहीं करना। लोगों ने उल्टा मतलब निकाल लिया, और महादेव भोग लगाते हैं शराब का, महादेव को चढ़ाई जाती है, चढ़ाई इसलिए जा रही है कि तुम छोड़ दो आज के बाद, यहीं पर आज के बाद ये नहीं करना, लेकिन हमने उसको सिस्टम उल्टा बना लिया और उल्टी सीधी बातें करते। तो भैया आज भगवान श्री महादेव को हम सब प्रणाम करें, श्रावण का समय है तो भागवत के प्रसंग में प्रवेश करेंगे, उससे पहले आइए 2 मिनट के लिए सभी